सबसे पहले कलकत्ते में मटर कचरी स्टार्ट करने वाला हम लोग है। यही कचरी खा के इंडिया जीता था, सूर्य कुमार कैच पकड़ा था। तो अंकल जी आपका एज कितना हो गया? 91 मतलब 100 पार कर ही देंगे आप। पार करेंगे क्या करेंगे। बांग्लादेश जब भी कलकत्ता में आया है तभी तभी इसका लच्ची ना खाए अब कितने नहीं मिटेगा। आज हम लोग आए हैं बड़े बाजार बागरी मार्केट में जैन ब्रदर्स में, जिन्हें झकास कचौड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, कहिए एकदम। तो अंकल जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम है राजेश जैन। राजेश जैन। तो अंकल जी बोल रहे कि आपका ये जो दुकान है वो दुकान कितना साल हो गया है? 50 साल पुराना दुकान है। मतलब बहुत पुराना है। फोर्थ जनरेशन का। मतलब बड़ा बाजार में लगभग पुराना दुकान में आपका भी नाम है? नाम है। अरे वाह। सबसे पहले कलकत्ते में मटर कचरी स्टार्ट करने वाला हम लोग है। बनारस से लेकर के आए थे हम लोग, रहने वाले यूपी के हैं, वहीं का ये आइटम है, वहीं से स्टार्ट किए कलकत्ते में। 50 साल तक ये कंटिन्यू चला। तो गाइस आप लोगों को बता दूं, इस जगह में मतलब समोसा, कचौड़ी, सब्जी, गुलाब जामुन, मतलब वो फ्राइड राइस, वो सब मिलता है। और उस जगह पे आप लोग देख सकते हो भाई, लस्सी मिलता है जो अंकल जी बेचते हैं। तो अंकल जी आप कब से खा रहे थे? तो अंकल जी आपके दुकान में क्या क्या मिलता है, प्राइस के साथ थोड़ा बता दीजिएगा। तो क्या क्या मिलता है? अच्छा, मटर का कचौड़ी रहता है, वाह, गरम गरम सिंगारा भी रखते हैं, गरम गुलाब जामुन, वाह, और पुलाव, दही बड़ा, लस्सी, सब कुछ रहता है। मतलब नाश्ता का आइटम है। तो गाइस देख सकते हैं अंकल जी हमारे लिए भी एक प्लेट मटर कचौड़ी लगा दी और साथ ही साथ गुलाब जामुन भी दे दिए। देख सकते भाई बहुत ही गर्म, एकदम गर्म गर्म गुलाब जामुन देते हैं। इधर देखो जैन ब्रदर्स का ये वाला आलू का सब्जी रहता है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से भाई सब्जी बनाया जाता है इधर। और ये देख सकते हो भाई हम लोग का कचौड़ी आ गया एकदम फूला फूला, गरम गरम निकला था। इसलिए अंकल जी बोले कि आप पहले खा लो, खाने के बाद फिर वीडियो बना देगा। एकदम गरम गरम निकला था, इसलिए अंकल जी बोले कि पहले खा लेना।
ये देखो भाई, ये पूरा प्लेट है अंकल जी। ये प्लेट का दाम कितना पड़ जाता है? 46 ओनली, बस 46 रुपए। वाह, तो गाइस देख सकते हैं भाई, 46 रुपए में आपको ये सब मिल जाएगा। मतलब सुबह सुबह अगर किसी को नाश्ता करना हो तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। वाह, यही कचड़ी खा के इंडिया जीता था। अरे यही कचड़ी खा के जीता एकदम। वाह, सूर्य कुमार कैच पकड़ा था। सूर्य कुमार ये कचड़ी खा के कैच पकड़ा। वाह, एकदम ग्रीन ग्रीन भाई मटर कचौड़ी है। वाह, चलो भाई खा के देखते हैं। वाह वाह भाई, सुबह सुबह ऐसा नाश्ता मिल जाए और क्या ही चाहिए। ये लो भाई, देख सकते भाई आलू का सब्जी आया है भाई, हम लोग खा के देखते हैं। मजा आ गया भाई सुबह सुबह, मस्त चीज़ बता। आप देख सकते भाई अंदर से कितना अच्छे तरीके से मटर का फीलिंग किया जाता है इधर, और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भी, और बहुत हेवी है जो ज़्यादा बेटर लगता है। आपका 3 पीस में ही आपका पेट भर जाएगा, इतना अच्छा लग रहा है इधर। लाजवाब है भाई, स्वाद तो इधर का मज़ेदार है। इधर आलू भी दिया जाता है, इधर आप देख सकते भाई इधर चना भी दिया जाता है, चना छोला जो भी बोल सकते हो। तो गाइस देख सकते भाई ये आ गया भाई हम लोग का गरम गरम गुलाब जामुन भाई, इधर का जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसका भाई एक पीस का दाम पड़ता है भाई इधर 10 रुपये का है। बस 10 रुपये में आपको ये गुलाब जामुन मिल जाएगा, आके एक बार टेस्ट करके जरूर से आना अगर इधर आओगे तो। भाई देख सकते हो भाई अंदर का फीलिंग आप लोगों को दिखाते हैं। देखो भाई अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं इधर गुलाब जामुन। मजा आ जाता है भाई ये कचौड़ी के साथ, अगर आप गरम गरम गुलाब जामुन लेते हैं ना भाई, वो खा के आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सच में इसका स्वाद ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कचौड़ी के साथ तो बेस्ट लगता है भाई गुलाब जामुन। सो गाइस ये आप लोग देख सकते हो भाई इधर मेन्यू दिया हुआ है, जैसे अगर आप 3 पीस मटर कचौड़ी लेते हैं तो आपका 36 पड़ जाता है, और एक खस्ता कचौड़ी का आपका 10 रुपये पड़ता है, सिंगाड़ा का आपका पड़ता है 10 रुपये, और एक दही बड़ा का 3 पीस दही बड़ा लेते हैं तो आपका 30 रुपये पड़ता है, और गुलाब जामुन जैसे 10 रुपये का था वही है, और इधर पुलाव भी आपका 30 रुपये प्लेट है, 30 रुपये प्लेट मिलता है ना पुलाव, 50 रुपये प्लेट हाफ प्लेट, अच्छा हाफ प्लेट 30 रुपये, 50 रुपये फुल प्लेट ना। अंकल जी ये क्या बन रहा है वैसे? ये वाला क्या बन रहा है? खस्ता कचौड़ी बन रहा है ना। वाह, कितना रुपए करके खस्ता कचौड़ी बेचते हैं आप? 10 रुपए पीस ना एकदम। तो गाइस 10 रुपए पीस में खस्ता कचौड़ी बिकता है इधर, तो अभी तो बन रहा है, बनने के बाद आप लोगों को दिखाते कि भाई कैसा लगता है। कितना देर में प्रिपेयर हो जाता है वैसे? 5-7 मिनट में हो जाता है ना। अंकल जी आप पहली बार खा रहे हैं? पहले भी खाए हुए दुकान नहीं था तो बाहर यार ना खाते। हाँ वाह, इधर आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? सब चीज ही अच्छा है भाई, सब चीज ही अच्छा लगता है। मटर कचौड़ी आपका लगता है सबसे ज्यादा फेवरेट है इधर का एकदम। तो अगर आपको इधर 10 में से पॉइंट देने बोलेंगे तो कितना पॉइंट देंगे? 10 में 10। अरे वाह, 10 में 10। अंकल जी आपको तो हर कोई 10 में 10 दे रहा है, इसका मतलब क्वालिटी है एकदम एकदम झंगा। क्या है ये? मटर का कचौड़ी, झकास कचौड़ी। वाह, मतलब लग रहा है आपको इधर तो सब लोग झकास के नाम से जान रहे हैं आपको। ये नाम है हमारा, पॉपुलर हो गया ये नाम। तो अंकल जी आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम पंडित जी से मशहूर है, नाम है जगदीश प्रसाद शर्मा। अच्छा, मशहूर पंडित जी है, पंडित जी से आप मशहूर है मतलब? पंडित जी लस्सी वाले के नाम से फेमस है। अरे पंडित जी लस्सी वाले के नाम से आप फेमस है मतलब इधर। अंकल जी आप पहली बार पी रहे हो? पहले भी पियो इधर? पियो पहले भी। वाह, इधर का टेस्ट आपको कैसा लगता है लस्सी का? सुपर हिट। ओके, सुपर हिट एकदम। वाह, कितना पॉइंट देना चाहेंगे 10 में से अगर देने बोले तो? 9 तो देंगे। वाह चलो, लस्सी का बहुत पॉइंट मिल रहा है आपका। तो अंकल जी आपका एज कितना हो गया? 91 मतलब 100 पार कर ही देंगे आप लोग। पार करें क्या करेंगे? अरे तो गाइस हम लोग को अंकल जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि अंकल जी इस उम्र में मतलब कितना ज्यादा मेहनत करे। बोले तो एकदम झकास अंकल जी। हाँ एकदम झकास, एकदम झकास, कोई टेंशन नहीं। हम बांग्लादेश में है? अच्छा बांग्लादेश में रहते हैं? बांग्लादेश से जबी जबी कलकत्ता में आया है, तभी तभी इसका लच्ची खाया। वाह, मतलब इधर आपका अच्छा रहता है, मतलब एक बार बड़ा बाजार होगा तो लस्सी खाना ही पड़ेगा। एवं लच्ची ना खाया अब कितने में मिलेगा? अरे वाह, मतलब लस्सी नहीं खाते तो मन को आराम नहीं मिलेगा आपको। वाह वाह वाह। वैसे अंकल जी कितने सालों से लस्सी पिला रहे हो आप सबको? 60 वर्ष से। 60 वर्ष हो गया? 60 बरस से। वाह, और कितने प्राइस से इधर लस्सी मिलता है आपके इधर? अभी 30 रुपया है, 60 रुपया है। 30 रुपये और 60 रुपये का लस्सी मिलता है ना आपके? छोटा है, बड़ा वाला 60 है। बड़ा वाला 60 का, मतलब 60 का ये वाला भार रहता है ना अंकल जी? ये वाला भार 60 का रहता है।
और वो वाला ग्लास में 30 रुपए का रहता है। तो अंकल जी हमें भी एक लस्सी दे दीजिए फिर। अरे अरे देखिए अंकल, अंकल जी भी पैसा नहीं लिए, अंकल जी भी पैसा नहीं लिए। अरे भी बोलो, पैसा भी मतलब दिखा रहे हो। अरे नहीं, चलो दादाजी लस्सी दे दी एकदम। वाह तो देख सकते हो भाई, हम लोग का लस्सी आ चुका है इधर। वाह ऊपर में मलाई दिया जाता है, आप लोग देख ही सकते हो भाई इधर अच्छे तरीके से पूरा। तो चलो गाइस आप लोग को पी के बताते हैं कि भाई इधर का टेस्ट कैसा है। भाई इधर तो इतना ज़्यादा भीड़ है, आपको टेस्ट के बारे में मेरे को बताने लायक तो मैं समझता नहीं मैं हूँ, बट तो भी हम कोशिश करते हैं भाई कैसा लग रहा है बताने। बेस्ट है भाई इसका, मेन चीज़ हमको क्या अच्छा लग रहा है ना कि हर जगह आप लोग जाओगे तो जाके देखो कि भाई ज़्यादा मीठा हो जाता है, कुछ एक्सेस शुगर हो जाता है, बट इधर वाला जो मेन टेस्ट आ रहा है ना, इधर का मलाई बहुत ही अच्छा था, जो बताऊँ तो इधर जो चीनी है ना बहुत अच्छे से दिया गया, मतलब एकदम, मतलब क्या बोलते हैं ना जो एकदम मीडियम रहता है ना, एकदम मीडियम में, मतलब ज़्यादा चीनी भी नहीं है कम चीनी भी नहीं, जो बेस्ट टेस्ट आता है वही वाला टेस्ट आ रहा है। सच बता रहा भाई, पी के मज़ा आ जा रहा है। तो ठीक है अंकल जी, फिर मिलते हैं एकदम। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इधर का। अंकल जी एक बार झकास बोल दिया, झकास एकदम। चलो अंकल जी का डायलॉग झकास हो गया। तो गाइस आज बहुत ही अच्छा लगा इधर खा के, इधर का कचौड़ी और लस्सी का जो टेस्ट है भाई बहुत ही अच्छा, तो एक बार आके जरूर से चख के जाओ, आपको मैं बोलता डिसअपॉइंट नहीं होगे, बहुत ही अच्छा इधर का टेस्ट। और इधर अगर खाओगे अंकल जी से, अगर आप 2 मांगोगे तो अंकल जी प्यार से 3 दे देंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो एक बार जरूर से आकर टेस्ट कर सकते हो आप इधर का। और बाकी अगर आपको एड्रेस बताओ तो एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और टाइमिंग आपका रहता है भाई सुबह, वही आप अगर सब कुछ चाहिए आपको तो 12 बजे आओ, 12 बजे से रात की, इनका कहना रात के 8 बजे तक रहता है। तो गाइस आज का आप लोग इधर तक ही रखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आज का आप लोग अच्छा रहा, अच्छा रहा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं कौन इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक स्टे सेफ, राइट सेफ।